नेशनल क्रश बन चुकी जोया यानी कि तृप्ति डिमरी को आज कौन नहीं जानता। सभी लड़कों के दिलों में राज करने वाली तृप्ति डिमरी इन दिनों सबकी क्रश बन चुकी है। तृप्ति ने बॉलीवुड में एनिमल से पहले भी कई मूवीज में अपना जलवा बिखेरा है और आज एक्ट्रेस को एनिमल मूवी की वजह से ही पूरा बॉलीवुड जानने लगा है। ऐसे में तृप्ति के फैंस के लिए आज मैं तृप्ति से जुड़ी उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार एंड यू वॉचिंग बॉम्बे ब्लूज, माई सेल्फ नंदनी गुरु। सो नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी को एनिमल फिल्म से फैंस के तरफ से काफी प्यार मिला है। उनको इतना पसंद किया जा रहा है कि वो अब एक नेशनल क्रश बन चुकी है। जी हाँ, तृप्ति एक एनिमल लवर है। तृप्ति को किताबें पढ़ना, घूमना और इन सब का शौक है। तृप्ति का बर्थ प्लेस देवोक भूमि उत्तराखंड गढ़वाल से है। तृप्ति 23 फरवरी 1994 में जन्मी है। तृप्ति के पापा एयर इंडिया में दिल्ली में नौकरी करते हैं। बाद में एक्ट्रेस की पूरी फैमिली दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई थी। तृप्ति के फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं, पापा, मम्मी, भाई और बहन। तृप्ति के पापा का नाम दिनेश डिमरी है, उनकी मम्मी का नाम मीनाक्षी डिमरी है, भाई का नाम आशुतोष डिमरी और बहन का नाम कृतिका डिमरी है। तृप्ति ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की है। इसके साथ ही तृप्ति ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई श्री एरोबिनो कॉलेज से किया है। अब वही कहते हैं ना कि बच्चे के पहले टीचर ही उनके माँ बाप होते हैं, तो वही तृप्ति को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और ये शौक उन्हें अपने पापा से ही हुआ। उनके पापा भी रामलीला में श्री राम का रोल किया करते थे। तृप्ति ने स्कूल के समय में अपने एक इवेंट में भाग लिया और शुरू से ही अपना एक्टिंग करना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस के लिए हमेशा तारीफ मिलती थी और बाद में तृप्ति मॉडलिंग करने के लिए मुंबई आ गई। अब उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशंस भी देने शुरू कर दिए थे। एक्ट्रेस ने करियर की सबसे पहली शुरुआत 2017 में मूवी आई पोस्टर बॉयज में किया था, लेकिन ये मूवी को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 2018 में तृप्ति को लैला मजनू मूवी में लीड रोल करने का मौका मिला। इस मूवी के बाद तृप्ति को फैंस ने खूब पसंद किया। इस मूवी से एक्ट्रेस को काफी अच्छी पहचान भी मिल गई थी। साल 2020 में नेटफ्लिक्स में आई मूवी बुलबुल में भी काम किया है, जिसमें एक्ट्रेस की काफी तारीफ हुई और एक्ट्रेस को बेस्ट फीमेल ओटीटी एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद तृप्ति दोबारा 2020 में नेटफ्लिक्स में आई मूवी कला में नजर आई। फिर उसके बाद साल 2023 में तृप्ति को एनिमल फिल्म में एक्टर रणबीर कपूर के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। उसके बाद तो तृप्ति ने अपना ऐसा जादू दिखाया कि सिर्फ एक छोटे से रोल में ही तृप्ति ने अपना पूरी एक्टिंग से हर किसी को घायल कर दिया। इसी रोल की वजह से आज एक्ट्रेस नेशनल क्रश बन चुकी है। जी हाँ, फिलहाल एक्ट्रेस की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ऐसा रूमर्स है कि तृप्ति एक बिजनेसमैन सैम मर्चेंट को डेट कर रही है। तो वहीं तृप्ति डिमरी की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो एक्ट्रेस विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भूल भुलैया 3 और धड़क 2 में अपना जलवा बिखेरने वाली है। फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस एड्स और ब्रांड प्रमोशन के जरिए भी पैसे कमाती है। वो मुंबई में खुद के आलीशान घर में रहती है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, अपने फेवरेट बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट्स करें और साथ ही बॉम्बे ब्लूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।